भैया आए थे भाई सब्सक्राइब। अरे भाई कि हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए क्या? खुद खड़ा हो गया तू? हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है 2 फरवरी एंड आज हमें ऐसा कुछ काम नहीं है। आज हमें स्टूडियो का अटेंडेंस एंड फीस वाली सारी चीज़ें निपटानी है, क्योंकि लास्ट मंथ काफ़ी ज़्यादा चोट एंड ये सारी चीज़ों की वजह से ना काम बिल्कुल नहीं हो पाया, फीस मेंटेन वाला और अटेंडेंस वाला। तो मैं आज रिश्ते वगैरह लेके आया हूँ, वो सारी चीज़ सॉर्ट करेंगे। प्लस आज मेरे को और हिमांशु को जाना है अपना वो सूट एंड ऑल कुर्ता वगैरह फिटिंग देने के लिए। तो हिमांशु आएगा 2-3 बजे के आसपास, तब साथ जाएंगे एंड बाकी तब तक अपना व्लॉग एडिट करेंगे और स्टूडियो का काम निपटाएंगे। तो भाई हमारा नाश्ता आ गया है, हंशिका जस्ट अभी नाश्ता देके गई है, तो नाश्ता करते हैं। मैं व्लॉग करते करते खो गया था तो ध्यान भी नहीं रहा कि खाना खाना, तो अभी जैसे खाना आया तो खाना खाते हैं, जल्दी से निपटाते हैं एंड देन उसके बाद स्टूडियो का काम करेंगे। एंड आज धूप बहुत बढ़िया निकली हुई है, तो मैं सोच रहा हूँ छत पे आकर थोड़ी धूप सेक ली जाए एंड देन उसके बाद स्टूडियो चलेंगे। तो भाई स्टूडियो खोला है, निखिल भी जा रहा है पढ़ने, उसको बेचारे को पढ़ाई से उठा के लाया था। अब चलते हैं, थोड़ा सा धूप वूप सेकेंगे देन देखते हैं आगे का दिन। कभी कभी यार कबूतरों को देख के ऐसा लगता है कि मतलब क्या सही लाइफ है ना, मतलब उस वे में कि भाई उड़ते रहो बस आसमान की ऊंचाइयों में, मतलब ना कोई रोकने वाला ना टोकने वाला। बट हाँ, एट द सेम टाइम हमें नहीं पता भाई कि लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स इनको झेलनी पड़ती है, कि खाने के लिए या घर के लिए या जो भी है। बट ऐसे एक चीज़ हमेशा इनको देख के मेरे दिमाग में आती है कि भाई मस्त आज़ाद उड़ते हैं आसमान में। तो यस, गुड गाइज, इन्जॉय योर लाइफ। बाय बाय गाइज, सी यू, मिलते हैं। मेरे को तो बस यही था कि डर ना जाए। तो भाई भैया आए, भैया आए थे भाई सब्सक्राइब। अरे भाई बस भैया आए थे यार वाईफाई हमारा सही करने के लिए, वाईफाई की हमारी रेंज की थोड़ी दिक्कत हो रही थी, मैंने बताया था पहले के व्लॉग में। तो भैया आए थे, अब भैया हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर रहे हैं। मेरे को लगता है ऐसे ही कराना पड़ेगा, अपने आप तो बढ़ेंगे नहीं। डन भाई, सब्सक्राइब हो गया। ओके भाई, थैंक यू, बाय बाय। तो भाई वाईफाई का पासवर्ड चेंज कराते कराते काफ़ी टाइम लग गया, पेरेंट्स का कॉल भी आने लगा कि कहाँ सर। तो भागते हैं स्टूडियो की तरफ जल्दी से। एक बात बताओ, आप बच्चों में से व्लॉग कौन कौन देखता है? शॉर्ट्स ज़्यादा पसंद, शॉर्ट्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं या व्लॉग? बट अब से हम दोनों चीज़ें डाला करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा व्लॉग भी और ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट्स भी, ठीक है? शॉर्ट्स फनी होते हैं ना, मज़ा आता है ना शॉर्ट्स देखने में। बच्चों प्रिंस के पीछे लाइन बना लो जल्दी से। पिटाई तो होगी, जो बड़ी क्लास में जाने का चांस कैंसिल, समझ गए? चलो भाई बॉटल उठा लो जल्दी से। बस अरे लेकिन एक सेकंड, क्या हो गया भाई, डांट क्यों रहा है, चिल्ला रहा है? इधर ही हो, इधर ही हो, इधर आ रिवांश, इधर आ। कैसे भाई करा तूने? नहीं ऐसे नहीं, जैसे वैसे कर रहा था, ठीक है। जा प्रियांशी, कैसे बैठा था रिवांश? और तुमने खड़ा कर दिया रिवांश को? नहीं मैंने नहीं किया, रिवांश तो खुद खड़ा हो गया। और क्या? क्या? और क्या? क्या खुद खड़ा हो गया तू? भाई एक बार रिवाइज कर लो तुम लोग, ठीक है, फिर शूट स्टार्ट करते हैं। ये इतने डरपोक है ना सारे के सारे, किनको बोलो शूट के लिए कौन आएगा तो सब पीछे हो जाएंगे। एक तरीका है श्रेया, इधर आ, मैं तेरे पीठ के पीछे एक नंबर बोलूंगा, ठीक है, ऐसे करके तेरे को उधर ही देखना है, ठीक है? तेरे पीठ के पीछे एक नंबर करूंगा, जिसका भी नंबर आए तू बस बोल दो किसका है, जिसका भी हो ना उसकी तरफ इशारा कर दियो बस, ठीक है? तो ये किसका है? ठीक है, बोलना नहीं नंबर, ठीक है, नंबर बताना नहीं है। ये किसका है? ठीक है, बोलना नहीं भाई। अब मैं जा रहा हूँ अपना सूट वगैरह फिटिंग देने के लिए, क्योंकि हिमांशु को आना था बट वो थोड़ा घर के काम वाम में फंस गया तो इसलिए आ नहीं पाया। तो मैं सोच रहा हूँ मैं ही जाके दे आऊँ एटलीस्ट, क्योंकि मेरा काम ज़्यादा है, उसको जस्ट अपना एक ब्लेजर एंड लो बॉटम फिट कराना है, बट मेरे को 3 चीज़ें फ़िट करानी है तो मैं वो निपटा लेता हूँ ताकि बाद में असर ना हो। तो भाई यही है जो हमें फ़िट कराना है, मतलब ये सूट वूट का है जो भी प्रिंस कोट वगैरह था, और ये हमारे कुर्ते का कपड़ा है। तो एक कुर्ता बनवाना है, बाकी चीज़ें फिट करवानी है, तो जल्दी से उठाते हैं। डन भाई, सो दुकान वकान का सारा कार्यक्रम डन है, निखिल दुकान बढ़ा रहा है
हमने भी सामान वामान ले लिया, अब सीधे चलते हैं कपड़े वाली दुकान पे। प्रिंस कोट होगा, उसकी फिटिंग होनी है और बाकी जो एक पर्पल रंग का कपड़ा है उसका कुर्ता सिलना है। अच्छा भैया, ये वाला कपड़ा सिलवाने के बाद श्रिंक तो नहीं होगा? नहीं, क्योंकि मैं पिछली बार पता नहीं मैंने एक कुर्ता सिलवाया था सफ़ेद रंग के कपड़े का और वो सिल के पूरा मेरे साइज को, जब धुल के निकाला पूरा सुखड़ गया। हाँ हो सकता है, ये तो नहीं सुखड़ेगा ना, ये तो भाई स्कैम हो जाता है मेरे साथ। मैं इसलिए पहले से सेफ्टी लेके चलता हूँ कहीं ये भी ना सुखड़ जाए। प्रॉपर फिटिंग में दिक्कत हो जाती है, कस जाते हैं ज़्यादा वो, मतलब अगर हम इसको फिट कराएंगे तो हाथ वाथ भी में भी थोड़ा चेंज आता है, हाथ थोड़ा सा टाइट हो जाएगा। ये जैसे आप ये एकदम ढीला डाल लग रहा होगा ना, ये थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, मतलब नाच नहीं पाएंगे। ये बटन को लगा के थोड़ी ना रखो। हाँ हाँ, बटन तो खोल के, बटन खोल के तो सही है ना। हाँ इतना तो ठीक है, मैं रेगुलर आता हूँ उसी हिसाब से लगाना है। हम एक ही रेट है सब की, नए के लिए भी उतना ही है। और झूठ बोल रहा है, अब जा रहे हैं हम तेरे भैया के मोमोज खाने, क्योंकि कल मम्मी और पापा दोनों आ जाएंगे तो फिर वो डांटना शुरू कर देंगे कि बाहर का खा रहे हो। तो आज आखिरी मौका है हमारे पास बाहर का खाने का इस महीने में। सर एक प्लेट मोमोज लगा दो। ओके सर, पैक भाई पैक। रोल भी खा लेते हैं, क्या हो गया आखिरी दिन है। और ये चल 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 चल, प्रो राइडर आज दिखा दे भाई, आज तेरी फॉर्च्यूनर के बाजू से। भाई हम लोग एकदम शांति से चल रहे थे और ये भाई साहब जो आगे जा रहे हैं इनमें जाके जोश, तो भाई रेस लगा रहा है रेस लगा। हम शांति से चल रहे हैं साइड में, पर नहीं कोई होते ना कि हाँ भाई हमारे बाजू में कैसे है, तो भाई का जोश आ गया। भाई देखो कितने आगे पहुँच गए हमसे, ओह माय गॉड भाई तो जीत गए, वाह। तो भाई स्टूडियो आ गए, स्टूडियो बढ़ाते हैं, सामान लेते हैं, दिन चलते हैं सीधा घर। तो भाई हम लोग घर पे हैं, घर पे लगा हुआ है ताला, शायद चाचा और चाची जो हैं कहीं गए हैं, बट कोई नहीं अब वेट करना पड़ेगा। आजा भाई तू ही आजा, तू ही हमारे साथ खेल ले। कैसा है भाई, बढ़िया? क्या हो गया भाई आज यही रहना? तो भाई भाई साहब को थोड़ी देर में याद आया कि दुकान की चाबी तो इनकी जेब में ही है। भाई ये पहलवान जी हमारे इतने होशियार, मतलब नीचे नीचे खड़े हैं 15-20 मिनट से, ये नहीं कि जेब में से चाबी निकाल लूं और अनलॉक कर दूं, मतलब होशियार की मतलब तू तेरे से, तू चुप हो जा भाई, तेरा हद होगी, तेरे दिमाग की दाद देनी पड़ेगी कसम से। गाइस मैं थोड़ा सा अभी अटेंडेंस का काम कर रहा था एंड जस्ट मैंने सोचा कि ऐसे चेक करते हैं कि हाँ यार वीडियो पर कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, एंड मेरे को जस्ट अभी दिखा कि हमारे 500 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। तो लाइक मेरे को बहुत खुशी हुई, लाइक इतना बड़ा नंबर नहीं है लोगों के लिए, बट यस मैंने जब से स्टार्ट करा तो मेरा पहला टारगेट 500 था, तो वो हमने अचीव कर लिया। सो यस थैंक यू सो मच आप सबको कि आप सबने 500 सब्सक्राइबर्स हमारे पूरे करे एंड ऐसे प्यार बनाते रहें, एंड जल्दी से हम लोग अचीव करते हैं हमारा 1000 का टारगेट एंड मेहनत करते जाएंगे, व्लॉग्स लाते जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज का व्लॉग, जल्दी मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच हमारे 500 कराने के लिए वंस अगेन। गुड नाइट।